एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन, यानी एक कंपाउंड की जो एसिड स्ट्रेंथ है ना वो किस तरह का फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हम जानेंगे इस वीडियो पर। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन नंबर। एसिड स्ट्रेंथ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस इफेक्ट, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर मैंने दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, उन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज रिजाइड्स ऑन सल्फर आटम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिजाइड्स ऑन ऑक्सीजन आटम, इन दोनों में से सल्फर की साइज ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डिस्पर्स हो पाएगा, तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगा। ठीक है, यहाँ पर वाटर है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड की होगा, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रिजाइड्स ऑन सल्फर आटम, यहाँ पर रिजाइड्स ऑन ऑक्सीजन आटम, सल्फर आटम कैन डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, सो ये करेक्ट होगा।